एक तरफ गाजा में हमास, दूसरी तरफ लाल सागर में हुती और तीसरी तरफ उत्तरी फ्रंट पर लेबनान का हिजबुल्ला। इसराइल के लिए ये तिकड़ी एक ऐसा सिरदर्द बन गई है जिसका इलाज वो अभी तक नहीं कर पाया है। अलबत्ता इन तीनों ही मोर्चों पर इजरायली सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। एक तरफ गाजा में हमास IDF पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्ला इसराइल को दहला रहा है, और वहीं तीसरे मोर्चे पर यमन का हूती लाल सागर में इजरायली जहाजों का काल बनकर बैठा हुआ है। हूती ने अभी तक कम से कम 2 जहाजों को लाल सागर में डुबो दिया है, जबकि एक जहाज अभी भी हूती के कब्जे में है जिसे उसने हाईजैक कर लिया था। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में इसराइल को दहला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइली जहाज MSC यूनिफिक की, जो एडन की खाड़ी से होकर गुजर रहा था, और इसी दौरान हूती ने उसे कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से दहला कर रख दिया। हूती का कहना है कि उसने एक संयुक्त अभियान में इसराइल के कब्जे वाले ईलत इलाके में कई सैन्य टारगेट्स को निशाना बनाया है। हूती के मुताबिक उसने इन टारगेट्स पर ड्रोन हमले भी किए हैं जो एकदम सटीक रहे हैं। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का बयान भी आ गया है। وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ونفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من المسيرات وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله। आपको बता दें कि हूती के प्रवक्ता याया सारी ने सभी अरब और इस्लामिक सेनाओं से अपनी धार्मिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी फिलिस्तीनियों के प्रति निभाने का आह्वान किया है। हूती का कहना है कि वो किसी भी अरब देश के साथ या इस्लामिक पक्ष के साथ उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के पक्ष में संयुक्त हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली जहाज पर हमले को लेकर हूती का कहना है कि उसने ये हमला 14 जुलाई 2024 को किया है। हूती का कहना है कि उसका ये हमला IDF द्वारा खान यूनिस शहर के अल मवासी कैंप में 13 जुलाई को किए गए नरसंहार के खिलाफ था। इस हमले को लेकर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि IDF की स्ट्राइक में यहां पर 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस हमले को लेकर दुनिया भर में इसराइल की आलोचना हो रही है। वहीं IDF का कहना है कि इस हमले के पीछे हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर करना था, जो यहां पर नागरिकों की आड़ लेकर छिपा हुआ था।